बाद बता तेरी आदत अभी से ऐसी है पहले ऐसी थी। मैं आप सबको बता दूं भाई, मैं बात करने वाली हूँ बिग बॉस शो के बारे में, जो इन दिनों वहां पर भैया मचा पड़ा है तूफान, क्योंकि भैया अब के जो भी हमने इंट्रो देखा है ना बिग बॉस का, जो नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है उसमें भैया शो हुआ है, काल पांडे ने एक करंट में एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है। मेकअप तुमने ज्यादा अच्छे लगते हो भाभी, सही बोल रहा हूँ। हमारे कटारिया भाई जी को कि भैया उसको सुनकर भैया हम सबको भी शौक लगा, और भैया सबसे ज्यादा शौक लगा हमारी जो भैया बाहर निकल गई हैं पायल जी। बोला कि मैं गिल्टी हूँ, फिर उसने मुझे उसने वीडियो में बोला कि कुछ बोलना चाहता हूँ, जो कटारी ने बोला, जो भाई अरमान भाई को सुनकर बाद में जो अरमान भाई ने विशाल पांडे के साथ जो कांड किया है ना, वो भैया देखने लायक है। तो भैया चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे विशाल भाई को भाभियों का शौक है, और उस दिन हम जाने जो भरोसे वाले होते हैं ना, वही भोस। भैया अरमान भैया ने गुस्से में कर क्या दिया, अरमान ने भैया जड़ दिया विशाल पांडे को एक चाटा। मैं नहीं बोला था, तू तो बोलता नहीं है, तू तो बहुत। तो भैया अब उस गुस्से का सामना करना पड़ेगा अरमान भाई को, विशाल पांडे का गुस्सा। अभी तक तो विशाल पांडे ने अपनी पर्सनैलिटी दिखाई नहीं थी इस शो में, पर भैया थप्पड़ लगने के बाद भैया 100% चांस लग रहे हैं कि विशाल पांडे अपनी रियलिटी पर्सनैलिटी के साथ गेम में वापस करेंगे। यह गॉसिप से भरा शो है, तो अरमान मलिक भाई शो के बाहर जाने वाले हैं या नहीं, या अब इस शो के बाहर कौन जाएगा, और क्या क्या ट्विस्ट होने बाकी हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर, और हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। वो जगह है जहां सब नल्ले बेरोजगार दिन भर